फ्रेंड्स, अभी तक हमने अल्सर कोलाइटिस में जो एक्यूट फेज में जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं वो अभी हमने देखा है फ्रेंड्स। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो अल्सर कोलाइटिस में मेंटेनेंस थेरेपी के लिए पेशेंट को क्या लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मेंटेनेंस थेरेपी के लिए जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं वहाँ पे जो हमें सिम्टम्स जो पेशेंट के सिम्टम्स फिर से ना हो इसलिए ट्रीटमेंट दिए जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम लोग ये मेंटेनेंस रेमिशन। ठीक है, रेमिशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये अब्सेंस ऑफ सिम्टम्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। रेमिशन मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ सिम्टम्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, इसी को बोलते हैं रेमिशन। ठीक है, ये मेंटेनेंस रेमिशन के लिए जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं वहाँ भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस थेरेपी इज जनरली रिकमेंडेड। ठीक है, जो लाइफ लॉन्ग थेरेपी देनी पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, कौन से पेशेंट में दिए जाते हैं जैसे देख लेते हैं। लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस थेरेपी इज जनरली रिकमेंडेड फॉर ऑल पेशेंट्स स्पेशली दोज विद लेफ्ट साइडेड और एक्सटेंसिव डिसीज। ठीक है, जो स्पेशली जो लेफ्ट साइडेड कॉलन है ना, लेफ्ट साइडेड अल्सरेटिव कोलाइटिस और एक्सटेंसिव डिसीज, जैसे कि हमने देखा है कि फ्रेंड्स जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का डिसीज जो रहता है ना, एक तो रहता है कि जो रेक्टम तक या फिर सिग्मॉइड कोलन तक ये लिमिटेड रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये रेक्टम और ये सिग्मॉइड कोलन तक ही लिमिटेड रहता है, या फिर फ्रेंड्स जो लेफ्ट साइडेड और एक्सटेंसिव डिसीज जो रहता है फ्रेंड्स, ये ऑल ओवर बॉडी ऑल ओवर कोलन में, ये ऑल ओवर कोलन में फ्रेंड्स ये फैला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स एक्सटेंसिव और लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस। ठीक है, लेफ्ट साइडेड अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स क्या होता है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए ट्रीटमेंट देनी पड़ती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस थेरेपी जनरली रिकमेंडेड फॉर ऑल पेशेंट्स स्पेशली दोज विद लेफ्ट साइडेड और एक्सटेंसिव डिसीज एंड दोज विद डिस्टल डिसीज हुज रिलैप्स मोर देन वन ईयर। ठीक है, जो समझो डिजिटल डिसीज है और इसका रिलैप्स समझो मोर देन वन ईयर तक है, ऐसे वन ईयर मोर देन वन ईयर के ऐसे पेशेंट के लिए भी हमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, या फिर इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि फ्रेंड्स ये रेक्टम और ये रेक्टम समझे, रेक्टम है और ये सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम और सिग्मॉइड कोलन इसको डिजिटल पार्ट बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, डिजिटल डिसीज बोलते हैं। और जो एक्सटेंसिव डिसीज है ना फ्रेंड्स, एक्सटेंसिव डिसीज और लेफ्ट साइडेड कोलन जो लेफ्ट साइडेड अल्सरेटिव कोलाइटिस वो फ्रेंड्स वहाँ पे ऑल ओवर कोलन में ये डिसीज फैला हुआ रहता है फ्रेंड्स। ऐसे डिसीजेस में हमें लॉन्ग टर्म तक ये ट्रीटमेंट देनी पड़ती है वहाँ पे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा जाए, क्या दिया जाता है फ्रेंड्स, देयर इज सम एविडेंस दैट मेन, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है समझो, ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट दिया जाता है फ्रेंड्स, क्या होता है कई बार जो कोलोरेक्टल कैंसर जो रहते हैं ना, कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस कम रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, देयर इज सम एविडेंस है वहाँ पे, कुछ ऐसा स्टडी किया गया है कि फ्रेंड्स कई पेशेंट में स्टडी पाया गया है कि ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, देयर इज सम एविडेंस दैट मेंटेनेंस थेरेपी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ, मेंटेनेंस थेरेपी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स मेंटेनेंस थेरेपी देने के बाद पेशेंट को जो कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा रिस्क उसका बहुत ज्यादा कम रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए देयर इज सम एविडेंस दैट मेंटेनेंस थेरेपी रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, इसलिए फ्रेंड्स पेशेंट को एक्यूट फेज में ट्रीटमेंट देने के बाद उसको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ये देना ही देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को। ठीक है, इसमें मेंटेनेंस थेरेपी क्या क्या दिया जाता है जरा सामने हम लोग ड्रग देख लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, जो टैबलेट मेसलाजाइन है ना, टैबलेट मेसलाजाइन है जैसे कि हमने देखा है 5-ASA मतलब 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो है ना फ्रेंड्स, ये 5-ASA ग्रुप में आता है। ये टैबलेट मेसलाजाइन 1-2 ग्राम देना रहता है डेली, और टैबलेट बैलसलाजाइन है 2.5 ग्राम डेली हम लोग यूज कर सकते हैं डिवाइडेड डोजेस में, या 2 या 3 डिवाइडेड डोजेस में हम लोग ये यूज किया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट लाइन थेरेपी, ये फर्स्ट लाइन जैसे कि हमने देखा था कि फ्रेंड्स ये फर्स्ट लाइन थेरेपी भी काम करता है, जो मेसलाजाइन है ना, मेसलाजाइन टैबलेट यूज किया जाता है। ये मेसलाजाइन का फ्रेंड्स जैसे कि हमने बताया कि फ्रेंड्स मेसाकॉल के टैबलेट्स आते हैं 400 मिलीग्राम के, या फिर उसको मेसाकॉल के ग्रैनुलर फॉर्म में भी आता है 1-2 ग्राम के। ठीक है, 2 ग्राम में ग्रैनुलर फॉर्मेशन भी आता है, या फिर उसका मेसलाजाइन का फ्रेंड्स जो रेक्टल सस्पेंशन भी आता है मेसाकॉल का। ठीक है, रेक्टल सस्पेंशन इनिमा के लिए रेक्टल सस्पेंशन आ जाता है फ्रेंड्स मेसाकॉल का। ठीक है, इसलिए टॉपिकल मेसलाजाइन मेटोपिकल मेसलाजाइन 1 ग्राम डेली में भी यूज है। ठीक है, मेसलाजाइन है ना फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि अभी उसका रेक्टल सस्पेंशन भी अवेलेबल है मार्केट में मेसाकॉल नाम से, ये भी हम लोग डेली 1 ग्राम डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे मेंटेनेंस थेरेपी के लिए। ठीक है, स्टेरॉइड्स आर इनइफेक्टिव इन मेंटेनेंस रेमिशन, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि फ्रेंड्स स्टेरॉइड ज्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज किया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉइड यूज नहीं किया जाते, इनकेस लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे पेशेंट को समझो क्रोनिक सिटी पेशेंट को डेवलप हुई है स्टेरॉइड की वजह से, ऐसे पेशेंट फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था कि एजाथियोप्राइम। ठीक है, एजाथियोप्राइम जो है इम्यूनोसप्रेशन ग्रुप में आता है फ्रेंड्स। ठीक है, एजाथियोप्राइम क्या है, इम्यूनोसप्रेशन ग्रुप में आता है, 1.5-2.5 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से हम लोग ये डोज के हिसाब से हम लोग डोज एडजस्ट करके पेशेंट में यूज किया जाता है फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट में। ठीक है, आर इफेक्टिव इन द मेंटेनेंस ऑफ रेमिशन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसी हिसाब से हमें फिर से मेंटेनेंस
मेंटेनेंस ऑफ प्रिवेंशन मतलब पेशेंट को सिम्टम्स फिर से ना दिखे, इसलिए ये लाइफ लॉन्ग पेशेंट को ट्रीटमेंट देने ही देने रहते हैं प्रिंसिपल आपके, ठीक है। क्योंकि इसका क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार कैसे इसमें समझो ट्रीटमेंट में हमारे इंटरप्शन आ गया, या फिर पेशेंट क्या करता है फ्रेंड्स, ये ट्रीटमेंट एकदम इंटरप्ट कर देता है कुछ सालों बाद, तो फ्रेंड्स क्या होता है ये कोलोरेक्टल कैंसर कैंसर होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स 10 ईयर वगैरह पेशेंट को, समझो अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट को 10 ईयर तक रहता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट वगैरह, तो इस 10 ईयर के बाद पेशेंट को कैसे रिस्क बढ़ जाता है कि कोलोरेक्टल कैंसर वगैरह हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे कई बार पेशेंट में, ठीक है। इसलिए कैसे मेंटेनेंस रिमेशन मतलब ये मेंटेनेंस थेरेपी के लिए ट्रीटमेंट पेशेंट को देना ही देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। तो पेशेंट को इसलिए अच्छे तरह से एक्सप्लेन करना पड़ता है इस डिसीज के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताए हैं पेशेंट के लिए कि इंपॉर्टेंट नोट्स बताए कि ये पेशेंट में फ्रेंड्स ये फॉलो करने ही करने चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हम लोगों ने अभी देखा कि फ्रेंड्स मेंटेनेंस थेरेपी के लिए जो मेथोडोलॉजी वगैरह कैसे यूज किया जाता है जैसे हमने अभी तक देखा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग जरा सा उसके पेशेंट को कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बताए, मतलब पेशेंट को ये जरा सा फॉलो करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये जरा सा ये यहाँ पे ध्यान देना रहता है पेशेंट को, ये सब हमें एज अ डॉक्टर हमें पेशेंट को ये समझा देना रहता है ऐसे डिसीजेस में फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बताया है जरा सा फॉलो करना है वहाँ पे, ठीक है। रेगुलर सर्वेलेंस इज नेसेसरी, ठीक है। रेगुलर सर्वेलेंस इज नेसेसरी फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस लास्टिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स। जो फ्रेंड्स अल्सरेटिव कोलाइटिस जो क्रोनिक पेशेंट रहते हैं ना वहाँ पे रेगुलर सर्वेलेंस रहना चाहिए, मतलब क्या होता है फ्रेंड्स उसको रेगुलर फॉलोअप हो गया, रेगुलर उसको कोलोनोस्कोपी वगैरह हो गया, साल में एक बार कोलोनोस्कोपी करनी ही करनी रहती है ऐसे पेशेंट की, ठीक है। इसलिए ऐसे पेशेंट में रेगुलर सर्वेलेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है वहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। इसीलिए रेगुलर सर्वेलेंस इज नेसेसरी फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस लास्टिंग मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है। एक्सप्लेन टू द पेशेंट द क्रोनिक नेचर ऑफ द डिसीज, ठीक है। पेशेंट को कैसा है क्रोनिक नेचर मतलब पेशेंट के जो हमारे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को जो डिसीज के बारे में अच्छे तरह से उसको बताना है कि डिसीज ये क्या है क्रोनिक टाइप का रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए पेशेंट को कैसा क्रोनिक टाइप का रहता है इसलिए उसको मेंटेनेंस थेरेपी भी ट्रीटमेंट प्रॉपरली उसको ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली ऐसे पेशेंट को देना ही देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए पेशेंट को एक्सप्लेन करना रहता है कि एक्सप्लेन टू द पेशेंट द क्रोनिक नेचर ऑफ द डिसीज, ठीक है। एक्सप्लेन द पेशेंट क्रोनिक नेचर ऑफ द डिसीज एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस थेरेपी क्यों इंपॉर्टेंट है जैसे हमने बताया था कि फ्रेंड्स इसका क्या होता है इसका कोलोरेक्टल जो कैंसर होता है ना उसका रिस्क कम हो जाता है, इसलिए ऐसे मेंटेनेंस थेरेपी पेशेंट को देनी ही रहती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अगर हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं ट्रीटमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स की मेंटेनेंस थेरेपी कैसे लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, इसलिए ट्रीटमेंट फॉर लाइफ विथ रेगुलर फॉलोअप, ठीक है। ट्रीटमेंट फॉर लाइफ विथ रेगुलर फॉलोअप ये पेशेंट को रूल ये समझा देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये पेशेंट को समझा रूल पेशेंट को एक समझा देना रहता है कि ट्रीटमेंट फॉर लाइफ विथ रेगुलर फॉलोअप ऐसे पेशेंट को फॉलो करना रहता है। ऑफ रिस्क ऑफ कोलर कैंसर एट 10 ईयर्स ऑफ डिसीज ऑनसेट मस्ट बी एक्सप्लेन, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंड्स पेशेंट को समझो डिसीज ये 10 साल तक रहता है, ठीक है। 10 साल तक रहता है और उसको ट्रीटमेंट वगैरह इंटरप्टेड है ऐसे पेशेंट में जैसे मैक्सिमम चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स कोलोरेक्टल कैंसर के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, इसलिए पेशेंट को कोलर कैंसर का जो ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि अच्छे से प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लेते पेशेंट 10 साल बाद लैंड अप हो जाते हैं कोलर कैंसर में, इसलिए पॉइंट अच्छे तरह से पेशेंट को एक्सप्लेन करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए पेशेंट को रूल बता देना है कि ट्रीटमेंट फॉर लाइफ और ट्रीटमेंट फॉर लाइफ विद रेगुलर फॉलोअप, ठीक है। ऐसे पेशेंट को अच्छे तरह से रूल समझा देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और पेशेंट को फ्रेंड्स जो मिल्क है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट वगैरह जैसा यहाँ पे अवॉइड करने रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। मिल्क पर प्रेफरेबली अवॉइडेड इन द एक्यूट फेज ऑफ द इलनेस, इससे सिम्टम्स वगैरह एग्रेवेट हो जाते हैं, इसलिए मिल्क वगैरह यहाँ पे अवॉइड करने रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए पेशेंट को समझा अच्छे तरह से समझा के देना पड़ता है फ्रेंड्स ये, इसलिए मैंने ये दो चार पॉइंट बताए हैं कि ऐसे पेशेंट को हमें अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स अल्सरेटिव कोलाइटिस के मैक्सिमम पेशेंट जो रहते हैं ना अच्छे तरह से जैसे प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया तो अच्छे तरह से ट्रीट भी हो जाते हैं, लेकिन इसको कैसा इंटरप्शन ट्रीटमेंट जो इंटरप्शन वगैरह आ जाते हैं ना इंटरप्शन वगैरह आ जाते हैं पेशेंट ट्रीटमेंट वगैरह छोड़ देता है, इसलिए प्रॉपरली फॉलोअप नहीं रहता प्रॉपरली। जैसे पेशेंट मुझे मैंने बताया कि फ्रेंड्स रेगुलर सर्वेलेंस इज नेसेसरी मतलब पेशेंट को एक साल में एक बार कोलोनोस्कोपी वगैरह करनी पड़ती है, इनके जैसा पेशेंट नहीं करता है इंटरप्शन वगैरह करता है तो पेशेंट को 10 साल बाद वगैरह किसी फ्रेंड्स ऐसे डिसीज वगैरह प्रोग्रेस होते जाता है और पेशेंट को फ्रेंड्स कोलोनिक कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर वगैरह हो जाते हैं फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट की बाद में डेथ हो जाती है फ्रेंड्स। इसलिए ऐसे पेशेंट को फ्रेंड्स ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इनके इस पेशेंट को समझो ये सब ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट को समझो सिम्टम्स वगैरह रहते हैं या फिर उसको समझो उस डिसीज उस कोलॉन के उस पार्ट में समझो परफोरेशन वगैरह हो जाता है तो हमें उस वहाँ पे सर्जिकल पार्ट भी देखना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ऐसे सर्जिकल पार्ट में भी फ्रेंड्स या तो उसको कई बार कैसा है
इलियो को जो हमारा रेक्टम वगैरह है, रेक्टम रिमूव करना पड़ता है, या फिर कई बार कॉलर को कुछ पार्ट वगैरह रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कोलेक्टोमी वगैरह जो प्रोसीजर का नाम है फ्रेंड्स, वहाँ पे कोलेक्टोमी है, प्रोक्टोकोलेक्टोमी है, ऐसे फ्रेंड्स ऐसे कई बार पेशेंट को पार्ट निकाल देना पड़ता है, ये सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने अभी मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया और सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो पार्ट निकाल देना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे। जिसको सर्जरी को कैसे नाम बहुत सारे मतलब जैसे सर्जरी होती है पेशेंट की उस टाइप के नाम दिए जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हो गया प्रोक्टोकोलेक्टोमी हो गया या कोलेक्टोमी हो गया या पार्शियल कोलेक्टोमी वगैरह, ये सब चीज़ों से सर्जरी के नाम है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमें ये रूल्स वगैरह पेशेंट को फॉलो करने रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये अच्छे तरीके से पेशेंट को एक्सप्लेन करना है।